हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल तारावती किचन्स में आप सभी का स्वागत है। हम चल रहे हैं पोटैटो रोल बनाने, जिसके लिए हम 2 कप मैदा लिए हैं जो 250 ग्राम होगा। हम इसमें नमक डालेंगे, नमक डाल दिए, मंगरैल डालेंगे, मोइन के लिए ऑयल डालेंगे ताकि नाश्ता हमारा खस्ता बने, इसलिए हम डाल रहे हैं। हम मिला लेंगे सारी अच्छी तरीके से। इस तरीके हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। देखिए, हम मिक्स कर लिए हैं सारा चीज। अब हम पानी डाल के थोड़ा थोड़ा हम आटा को गूंथ लेंगे। हमें बहुत सख्त आटा नहीं गूंथना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट रहे ताकि नाश्ता हमारा खस्ता रहे। इस नाश्ते को आप आटे से भी बना सकते हैं, गेहूं के आटे से। हम मैदे से बना रहे हैं। देखिए, हम मैदा को गूंथ लिए हैं, ये आप सब देख सकते हैं। हम ढक के रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए। तब तक स्टफिंग तैयार करेंगे आलू की। हम स्टफिंग बनाने के लिए हम कढ़ाई गैस पे रख दिए हैं। हम ऑयल डालेंगे, हम ऑयल डाल दिए हैं। हम स्टफिंग तैयार करेंगे। देखिए, ऑयल हमारा गरम हो गया है। हम जीरा डाल देंगे। हम जीरा डाल दिए हैं, जीरा हमारा चटक रहा है। हमारी मिर्ची 2 काट लिए थे, ये देखिए आप सब, इसे डाल दे रहे हैं। अदरक डाल देंगे, अदरक काटे थे हम, बारीक काट लिए हैं। सब भून लेंगे। देखिए, हम हल्दी डाल देंगे। हमारा लाल हो गया है मिर्चा और जीरा उरा हम डाले हैं। अदरक हल्दी डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, आधा टीस्पून। चिली फ्लेक्स डालेंगे, गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे। अमचूर पाउडर डाल देंगे। अमचूर पाउडर डालने से हमारा नाश्ता जो है एकदम चटपटा बनेगा, अच्छा लगेगा खाने में। हम सारे मसाले भून लिए हैं। हम आलू देखिए 5-6 बड़े लिए हैं सब, जिसे मैश कर लिए हैं उबाल के। हम मैश उबाल के मैश कर लिए हैं, इसे डाल देंगे। देखिए, हम सारे मिला ले रहे हैं अच्छी तरीके से। फिर हम नमक डालते हैं। हम नमक डाल दे रहे हैं, स्वादानुसार नमक डाल दे रहे हैं। हम अच्छे से मैश कर लिए हैं आलू, अभी इसे निकालेंगे। ये आप सब देख सकते हैं, देखिए। लास्ट में हरी धनिया डाल देंगे। मिला लेंगे अच्छी तरीके से। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है।
हम गैस बंद कर दे रहे हैं। देखिए पोटैटो रोल बनाने के लिए हम मैदा थोड़ा सा ले लिए हैं, इसमें हम पानी डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। देखिए घोल बना लिए हैं, इस तरीके हम बनाए हैं। बहुत न गाढ़ा ही है न बहुत पतला ही है, इस मीडियम साइज में है जो है, ये देख सकते हैं आप सब। देखिए अब आलू रोल हम चल रहे हैं बनाने। पहले हम आलू को जो स्टफिंग तैयार किए हैं आलू की, हम उसे रोल करेंगे। बहुत न मोटा न बहुत पतला हिसाब से हमें बनाना है, इसे रोल करना है इस तरीके से। हम रोल कर लिए हैं, ये आप सब देख सकते हैं, इसी तरीके हम रोल करेंगे। इस तरीके हम रोल कर लिए हैं, सारे रोल कर ले रहे हैं, फिर दिखाते हैं आप सबको। देखिए रोल हम बना लिए हैं, ये आप सब देख सकते हैं, इस तरीके हम रोल बनाए हैं। अब हम चल रहे हैं जो आटा गूंथे हैं मैदा, अब इसे हम बनाएंगे रोल को। इस तरीके हमें चकई बना लेना है। इस तरीके हम देखिए बना लिए हैं, कर लिए हैं, काट लिए हैं, अब एक एक करके हम बेलेंगे। देखिए इस तरीके हम बना लिए हैं, अब हम मैदा लगा के इसे बेलेंगे। देखिए मैदा लगा के हम बेल ले रहे हैं इसे। हमें पतला बेलना है, रोटी जैसे बेलते हैं आप उसी तरीके से बनाना है। देखिए इस तरीके हम बेले हैं, ये आप सब देख सकते हैं। अब हम आलू का रोल जो बनाए हैं इसे इस तरीके रखेंगे और इस तरह से हम किनारे से कट कर देंगे। किनारे से हमें कट कर देना है, इस साइज से हमें कट कर देना है। फिर हम एक रोल रखेंगे, ये आप सब देख सकते हैं, इधर किनारे से भी हमें कट कर लेना है। दो दो रोल एक बार में बन पाएगा, ये आप सब देख सकते हैं। अब इसी तरीके हमें फोल्ड करना है। देखिए ये इस तरीके हम फोल्ड कर लिए हैं। अब हम जो मैदे का घोल बनाए थे इसमें लगा देंगे ताकि हमारा नाश्ता छानते समय, फ्राई करते समय खुले ना, ये आप सब देख सकते हैं। इसी तरीके हमें बनाना है इसे भी। इस तरीके हम इसे भी मैदे का घोल जो बनाए हैं उसे लगा देंगे। हम इसे चिपका देंगे अच्छी तरीके से ताकि खुले ना। इसी तरीके हम सारे नाश्ते बना के, आप सब देख सकते हैं, इस तरीके हम बनाए हैं। हम बना ले रहे हैं, फिर दिखाते हैं आप सबको। देखिए रोल हम इस तरीके से बनाए हैं, ये आप सब देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके बनाए हैं। अब हम गैस ऑन कर दिए हैं, कढ़ाई को रखे हैं, ऑयल डाल दिया, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। ये नाश्ता हमारा एकदम फ्रेंड्स खस्ता बनेगा। बस इतना ही हम डाल रहे हैं, मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर रहे हैं। देखिए रोल हमारा एक तरफ से सीख गया है, इसे हम पलट देंगे, ये आप सब देख सकते हैं। इसी तरीके हमें सारे पलट लेना है।
अब इस तरह भी हमें ब्राउन कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई कर रहे हैं। देखिए रोल हमारा तैयार हो गया है, फ्राई हम कर लिए हैं, अब निकाल लेंगे। इस तरीके हमें सारे रोल निकाल लेना है। ये देखिए रोल हम सारे निकाल लिए हैं, ये आप सब देख सकते हैं। अब इसी तरीके जो बचे हैं उसे भी हम फ्राई कर ले रहे हैं। देखिए पोटैटो रोल हमारा बन गया है, ये आप सब देख सकते हैं। हम इसे सर्व किए हैं, हम एक तोड़ कर भी काट के भी आप सबके दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके, देखिए कितना खस्ता बना है, काटने से ही पता चल रहा है। ये आप सब देखिए इस तरीके हम बनाए हैं। अगर ये अच्छी लगी रेसिपी हमारी रोल की तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में और हमें सपोर्ट करिए फ्रेंड्स।